कांग्रेस नेता मेजर सिंह धारीवाल के कत्ल करने के आरोप में मुख्य आरोपी अमनदीप कौर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अमनदीप पर मेजर सिंह धारीवाल को गोली मारकर मौत के घाट उतारने का आरोप लगा था, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी एक दिन पहले सामने आया था, जिसके बाद पुलिस अमनदीप कौर की तलाश में जुट गई थी ताकि ये पता लगाया जा सके कि अमनदीप कौर ने मेजर सिंह धारीवाल की हत्या क्यों की। हालांकि गिरफ्तार होने के बाद अमनदीप कौर ने इसकी वजह भी बताई। उन्होंने आरोप लगाया कि मेजर सिंह धारीवाल ने पिछले कई सालों से उन्हें बंधक बनाकर रखा था, जबरदस्ती रखा गया, मैंने घरे नहीं जान दें दे 13 साल, और इसी वजह से तंग आकर उन्होंने मेजर सिंह धारीवाल को उन्हीं की रिवॉल्वर से मौत के घाट उतार दिया। हालांकि पुलिस ने अमनदीप कौर को भी गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही उनके पास से मेजर सिंह धारीवाल की रिवॉल्वर भी बरामद कर ली गई है। ईरान के उप स्वास्थ्य मंत्री ने माना कि स्कूल की लड़कियों को वाकई जहर देकर मारने की कोशिश की गई, और ये इसलिए किया गया ताकि उनसे बदला लिया जा सके, क्योंकि ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शनों में स्कूल की छात्राओं ने खूब हिस्सा लिया था, और हिजाब के खिलाफ उनकी बुलंद आवाज ने ईरान की सरकार की जड़ें हिलाकर रख दी थी। दावा है कि उसी बात से डरकर ईरान के कट्टरपंथियों ने अफगानिस्तान के तालिबान वाला रास्ता पकड़ लिया और अपने यहाँ लड़कियों का मुंह बंद करने की साजिश रची। स्कूल में बच्चियों को जहर दे दिया गया ताकि पढ़ाई के नाम से ही उनके मन में खौफ बैठ जाए। कुछ माता पिता ने तो अपनी बच्चियों को स्कूल भेजना बंद भी कर दिया है। बताया गया कि ये मामला ईरान के कौम शहर से शुरू हुआ, जो राजधानी तेहरान से करीब 137 किलोमीटर दक्षिण में है। ईरान के कौम शहर में कई मदरसे हैं और वहाँ धार्मिक पढ़ाई होती है। नवम्बर में वहाँ 18 स्कूली छात्राओं की तबीयत बिगड़ी और उनकी सांस फूलने लगी, दिल की धड़कन तेज हो गई, हाथ पैर सन्न पड़ गए और तेज सिर दर्द शुरू हो गया। इसके बाद ये कहा जाने लगा कि किसी रहस्यमयी महामारी ने लड़कियों को अपनी चपेट में ले लिया है। अगर ऐसा था तो फिर ज्यादातर लड़कियां ही बीमार क्यों पड़ी, लड़के क्यों नहीं? लड़कियों के खून में कोई इन्फेक्शन भी सामने नहीं आया। इसलिए ईरान ने मामले को रफा दफा करने के लिए कह दिया कि लड़कियों को दौरा पड़ा था, लेकिन ईरान के उप स्वास्थ्य मंत्री ने साफ कहा कि कौम शहर में कुछ लोग लड़कियों के स्कूल बंद करवाना चाहते हैं, यानी साजिश लड़कियों को स्कूलों से दूर रखने की थी ताकि वो पढ़ लिख ही ना पाए और उनकी जबान पर ताले लग जाएं, वो अपनी सरकार के खिलाफ आवाज ही ना उठा सकें। मामला तब बढ़ा जब ईरान की राजधानी तेहरान समेत 4 शहरों के कम से कम 14 स्कूलों में लड़कियों को जहर देने का मामला सामने आया।